जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टीएस नाली टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तारिक सुल्तान। नाजरीन आज हम मौजूद हैं सरदार यासर डोगर साहब और उस्मान बलोच साहब और डॉक्टर फरख बशीर भट्टी साहब, जो किसी तारफ के मुताज नहीं है। हम लोग यहां पे आए थे भैंसों का शौक करने के लिए, तो जब हमने यहाँ पर शौक देखा है जी बकरों का, माशाल्लाह ज़बरदस्त बीतल क्वालिटी है यहाँ पर, और जब हमने इनका शौक देखा तो हम भैंसों को भी भूल गए हैं। हमने कहा पहले इनकी वीडियो बनाए और बाद में जो है ना वो भैंसों की बनाएंगे। तो अभी डॉक्टर साहब जो है हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फरख बशीर भट्टी साहब, ज़रा एक एक बकरा भी आपको दिखाते हैं, इनकी थोड़ी सी फीडिंग प्लान, इनकी नस्ल, इनके कुछ पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये पहले नंबर वाला लाए जी, अब हूँ मैं देती हूँ। ये जी दिलबर है। अच्छा, अभी छः दांत हुआ है, ये छः दांत हुआ है जी। डॉक्टर साहब इसकी हाइट कितनी होगी तकरीबन? हाइट जी इसकी, ये बंदा जो है ये 5 फुट 5.5 फुट का तो है। बात ये है कि वो हाइट के हवाले से बात इसलिए नहीं कि वो फिर कॉन्स्पिरेसी सी स्टार्ट हो जाती है जी। अच्छा अच्छा लेकिन इतना ज़रूर है कि पाकिस्तान में चंद बकरे इस साइज और फ्रेम के होंगे। इसको थोड़ा चला के वापस ला दे रहा, इसका साइज और फ्रेम है और अभी ये ग्रो करेगा। अच्छा अच्छा, वापस ला दे रहा, जवान नहीं हुआ। वापस लाए इसको। जैसे डॉक्टर साहब इसकी ब्रीड के बारे में थोड़ा सा बता दें, रोकिएगा यहाँ पे। सर ये बीतल है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो कहते हैं ना जी नाम रोशन करने वाली ब्रीड है। अच्छा और अच्छा। इन बकरों में सिलेक्शन में सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, फ्रेम साइज के साथ साथ इनमें मिल्किंग हिस्ट्री कितनी स्ट्रांग है। अच्छा। इनकी माओ में, इनके आगे पीछे दूध की एवरेज बकरियों में कितनी बेहतर है, ये सारे पॉइंट्स को सोच के ये जो है बकरे जो हैं वो कलेक्ट किए गए हैं। अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर साहब बीतल की थोड़ी सी ना हमें ना निशानियों के बारे में बता दें कि एक बकरा जो है वो बीतल, क्योंकि लंबे कानों के अलावा मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से बीतल का करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट्स होते हैं जी। जी रहीमियर खान साइड के ऊपर बकरे की नकोड़ा, बकरे की आंख, बकरे का ये सारा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है जी। जी जो सबसे आइडियल और मजबूत फ्रेम के जानवर हैं ये फैसलाबाद, समुंदरी, शेखुपुरा, इस रीजन में जो जानवर हैं, और आजकल ये यहाँ से बकरे चरने जाते रहे और ये आरिफ वाला, बूरे वाला इस साइड पे क्रॉस होते रहे और वहाँ पे भी बहुत बहुत अच्छा बकरा डेवलप अब हो गया है। जबरदस्त। तो अगर आप कहें कि दुनिया में सबसे मजबूत ब्रीड्स में से, तो मेरा ख्याल है बीतल से मजबूत जानवर कोई नहीं है जी। जी ठीक हो गया। और पहले चाइना वाले भी इसको उधर लेके खड़ा हो गए, बीतल ब्रीड के जानवर लेके गए हैं जी। जी और वो अपनी बकरियों में उनके हर्ड्स की इम्प्रूवमेंट में यूज कर रहे हैं अब इसको। अच्छा, चाइना वाले भैंसों के साथ साथ बकरों की भी ब्रीड लेके जा रहे हैं। जो अच्छी नेशंस होती हैं ना जी, वो चीज़ों के हल ढूंढती हैं, जहाँ से उन्हें स्ट्रांग जीन, स्ट्रांग जेनेटिक पोटेंशियल मिले, वो इसमें आर नहीं महसूस करते हो जी। जी जबरदस्त। और फिर उससे वो अपने कंट्री में किसी भी ब्रीड को डेवलप कर लेते हैं। जबरदस्त। चाहे वो बकरा है, चाहे घोड़ा है, चाहे भैंस है, चाहे वो साहिवाल काऊ क्यों नहीं है जी। जी डॉक्टर साहब अगला नंबर जो है ये जरा इसके बारे में, इसको आगे लेके आए रोके सर। ये मिस्टर ग्रेस है जी। अच्छा है। ये बकरा भी छह दांत है जी। अच्छा, छह दांत है। थोड़ा सा इस बकरे का फ्रेम, इसका चेहरा जरा इधर को करें। इस बकरे की सबसे यूनिक जो चीज है वो इसका लापर, जिसे कान बोलते हैं, और इसके चेहरे का स्टाइल। बस बस, ये स्टाइल वो जिसे कहते हैं ना जी मस्कुलिनिटी जी, जी वो इसमें बड़ी डोमिनेट की हुई है। और इसकी कलर स्कीम बाकी स्ट्रांग देखें, बकरी की स्ट्रेंथ वगैरह, बॉडी बैलेंस, ये बहुत जबरदस्त है। इसका इस सारे बकरे का फीचर जो है वो इस एरिया में सबसे स्ट्रांग फीचर है। आंख, नकोड़े का स्टाइल, कानों का स्टाइल, ये सबसे स्ट्रांग फीचर इस बकरे में ये है। जबरदस्त जबरदस्त। डॉक्टर साहब इसकी एज कितनी बताइए? ये भी छह दांत है। छह दांत है। वैसे बकरा जो फुल जवान है, मतलब कह लेंगे जिसके आप कह दिया कि इसने जो वेट गेन करना था वो कर लिया या हाइट बना ली है, तो ये जब ये तक जवान नहीं हो जाता जानवर हाइट करता रहता है। मतलब इसमें कोई कदगन नहीं है। कुछ बकरे ऐसे हैं, कुछ जानवर भैंसे हों, बकरे हों, जानवर जो हैं कुछ लेट जो होते हैं ना जाके ग्रोथ अचानक पकड़ते हैं। अच्छा अच्छा, कुछ जानवर ऐसे होते हैं। लेकिन जो
जेनेटिकली जो चीजें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं वो बकरा मुकम्मल छिग्गे से बाद ही होना शुरू होता है। अच्छा, अगर हम कहें तो जबरदस्त जबरदस्त, उससे पहले इसको हम मुकम्मल नहीं उसको कह सकते। आप भी ले जाएं जी साथ इसके। डॉक्टर साहब अगला बकरा जो है इस पे आए जरा, ये जी दो दांत है। अच्छा माशाल्लाह। और इस बकरे की जी चेहरा इधर करें, इस बकरे का हिस्ट्री ये है कि इस बकरे के जो बच्चे हैं ना जी इधर लाना है, उधर नहीं लेके जाना, इधर रोकने हैं। अच्छा ये जी जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग, और ये दांत अपने दिखा भी रहा है कि मैं दो दांत ही हूं, अगर आप फोकस कर रहे हैं तो उस हो गया सर, ये दो दांत है। चंद पाकिस्तान में जो बकरे बहुत अच्छा अपना इलीट जीन ट्रांसफर कर रहे हैं ये पट्ठा उन बकरों में आता है। अभी उम्र भी कुछ नहीं है जी, जी। उम्र के हिसाब से इसका फ्रेम साइज और सारा कुछ आप देखें, ये जब 8 दांत पे या इस उम्र में जाएगा तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत। इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि ये अपने जेनेटिक जीन्स जो है वो बड़े अच्छे ट्रांसफर कर रहा है, बच्चे इसके बहुत कमाल आ रहे हैं जी। जी डॉक्टर साहब थोड़ा सा इनकी डाइट के बारे में भी बताते जाएं। सर बेसिकली सर्दियों में तो यही देखना होता है कि बकरी को या बकरी को आपने जो ड्राई फार्म में है वो फीडिंग कितनी स्ट्रांग की हुई है, अब उसमें तूड़ी है ये है हरे से बचाना होता है, और खुश्क चारा जो है वो ज्यादा से ज्यादा इन्हें देना होता है। अच्छा खुश, ताकि क्योंकि बकरियों में नमूनिया की जो एडॉप्टेबिलिटी है वो बहुत हाई होती है जी, जी। सर्दियों में ना चाहते हुए भी मॉइस्चर डेवलप होता है जी, जी। जो इनको नमूनिया की तरफ ले जाता है, और बकरी की बहुत सी बीमारियों में नमूनिया और इनका अंतड़ियों का जो इशू है ना जी वो सबसे स्ट्रांग जो दो बीमारियां जो जानवर को जाया करती हैं। डॉक्टर साहब इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा प्लीज। ये जी छोटा बल्ला नफीस सा जानवर है। अच्छा, और आप इसको देख रहे होंगे बड़ा बारीक सा नफीस सा जानवर है, इसको इसकी नफासत की वजह से लिया गया था। अच्छा, अच्छा। और इसका करेक्टर पीछे दूध में मैंने आपको बताया कि दूध के लिए तो हम तकरीबन जितने बकरे हैं इनमें मिल्किंग लाइन जो है वो बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन इस बकरे की क्लास जो है उन बकरों से रिलेटिवली हम इसको थोड़ा सा नीचे रखते हैं। अच्छा अच्छा वजह देखिए इसका फेशियल स्टाइल और बाकी सारी बॉडी की अपीयरेंस जी वो बकरे बहुत सुप्रीम है इससे ऊपर है जी। जी अगला बकरा लाए जी, ये वाला ले नहीं है जी, जी ला ये जी बाज है। अच्छा ओके सर, ये जिस लाइन में से है जी इसका जरा चेहरा दिखाएं, इसकी ये सारी झालर और इसकी स्किन को दिखाएं जरा, इसका इसका चेहरा जी जरा स्पेशली देखें, खुद बजाते खुद ही इसने अपने आप को इतना ज्यादा डेवलप ये नहीं कर पाया, फीडिंग पीछे से जहां से लिया गया वहां पे किसी भी बच्चे को ग्रो करने के लिए बचपन से खुराक बहुत अच्छी होना बहुत जरूरी है जी, जी। लेकिन इसकी आंखें इसका चेहरा इसकी ये स्किन जो है रिंकल्स जो है ये बड़ी कमाल चीज है, और इससे हमने बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग जो है वो करवा रहे हैं, और क्योंकि इसकी लाइन भी बैक पे जो पहले हमने तीन बकरे देखे थे जी, जी। जो सबसे पहले तीन नंबर पे आए हैं बाज भी इनसे किसी तरह भी कम नहीं है, लेकिन ये बचपन की जो बेचारे को जी, जी, उसकी वजह हुआ है वो फीडिंग के अंदर इस बेचारे को कमजोरी आई हुई है वो अब होते हुए टाइम लगना खत्म होता है। जबरदस्त जबरदस्त, और ये भी बीतल है, लाल भी बीतल जी, ये भी बीतल जी, ले आ जी अगला लेके आए, रोकें जरा जाम पे डॉक्टर साहब, ये वाला इसको ये भी जी कैंडिडेट बकरों में हम इसको शुमार कर सकते हैं जी, जी। फिजिकल अपीयरेंस वगैरह में इसके भी लापर वगैरह के स्टाइल, हम लापर बोलते हैं कानों शानों को जी, जी ठीक है, इसका नकोड़ा शकोड़ा ठीक है, इसका चेहरा कान इधर कर मेरी तरफ जी, जी। अच्छा डॉक्टर साहब तूड़ी और वंडे के बारे में आपने बताया जी, बकरे को सर्दियों में तूड़ी और वंडा, ये वाला लेके जी, जी तूड़ी और वंडा जी, तूड़ी वंडा ये खिला के जब बकरे अपना काम करे थोड़ा बहुत हरा देना चाहिए सर्दियों में, नहीं तो ये बहुत ज्यादा काम खराब निमोनिया की सूरत में करते हैं। ये बकरा जी आप जैसे देख रहे हैं मक्खी चीनी बीतल के वेरिएंट में से है जी, जी और ये ब्रीडर ऐसे ब्रीडर अब नहीं है। अच्छा तो इसको जी चेहरा सीधा करें इसके इस साइड, नहीं चेहरा अपनी तरफ जी, जी
वंडा इनका स्पेशल होता है या फिर बाजारी वंडा भी चल जाता है? नहीं, बाजारी भी चल जाते हैं, ये तो अपनी अपनी लगन होती है जी, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है उसने किस हिसाब से करना है जी। डॉक्टर साहब, ग्रेजिंग इनके लिए कितनी अहमियत है? बहुत ज्यादा। ग्रेजिंग के पीछे हिकमत सबसे बड़ी ये है कि बकरी जिस बाड़े में है उस बाड़े में जब नमी आएगी तबाही फिरेगी। ग्रेजिंग के लिए उस एरिया को खुश्क होने का टाइम मिल जाता है जी जी। बकरी बार फिर आती है वहां पे, हवा फिर जाती है, एक जगह पे रहे तो वहां पे ये बहुत ज्यादा इनको एलर्जीज के अटैक्स और सारे मामलात बहुत बनते हैं जी। डॉक्टर साहब, ये वाला ये भी जी, अब हमने इसको कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये ब्रीडर नहीं है हमारे हर्ड में। अच्छा अच्छा, ये दोनों बकरे जो हैं ये ब्रीडर नहीं है, प्राइमरी ब्रीडर के तौर पे ये कभी भी नहीं रहे जी। ठीक होगा, ठीक होगा, चलो जी ले जाओ। ठीक हो गए, ले जाओ। एक एक बंदा जी जी ले जाओ।